On the sidelines, the Delhi cops have tightened security checks at the borders today in order to block any protests on the Parliament inauguration day. Not just the borders, heavy security has also been deployed at Jantar Mantar, the protest site of the wrestlers. Various Kisan leaders have also been taken into preventive custody near Haryana border, and this after the CAP had planned a special women Mahapanchayat near the new Parliament building in order to support the protesting wrestlers. Remember, the wrestlers have been sitting on protest for over months now, demanding action against the Wrestling Federation boss Brij Bhushan Sharan Singh over sexual harassment allegations. सुरक्षा को लेकर के जो यहाँ से जितने भी बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमने नाका लगाया है। जो ये बड़ा बॉर्डर था, सिंगू बॉर्डर, यहाँ पे हमने 4 मेल कंपनी और 1 फीमेल कंपनी डिप्लॉय करी है। महापंचायत होगी जी, अभी जाके अंदर बात कर रहे हैं, महापंचायत होगी। वो तो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है सर। हमने परमिशन के लिए लेटर दे रखा है। जब मार्च करेंगे पार्लियामेंट में, हमने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था, कल कल शाम को ही कर दिया था, सुबह दिए के आए थे, बोला शाम को आना। पुलिस सिर्फ गुमराह कर रही है हमारे लोगों को और जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। जो जिसके ऊपर एलिगेशन लग रहे, अपराधी है, उसको तो आप खुला छोड़ रहे हो, उसको तो कुछ कर नहीं रहे। इतनी हिम्मत नहीं उनकी, वो कानून बदलवाने की बात करता है, पोक्सो एक्ट बदलवाने की बात करता है, सरकार को झुकाने की बात करता है, उसको तो आप कुछ नहीं कर रहे। यहाँ जो हाथ जोड़ के आपके आगे सामने खड़े उनके साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आपने कल कहा था कि कई सारे लोग डिटेन भी हुए हैं। हमारे 2-2.5 हजार लोग डिटेन हो चुके हैं और बहुत सारे हमारे कोचिज हैं, हमारे जो खिलाड़ी भी हैं, जो हमारे समर्थक हैं, जो किसान नेता भी हैं, खा पंचायत है, उनके घर पे पुलिस बैठी है। चाहे वो हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, यूपी की बात तो हो, राजस्थान की बात हो, हर जगह तानाशाही हो रही है यहाँ पे।